उज्जैन पुलिस ने शनिवार को त्रिवेणी नदी से बोरे में हाथ पैर बंधी एक महिला की लाश बरामद की है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है, जहां हत्या का मामला मानकर पुलिस जांच कर रही। दरअसल शनिवार सुबह नागझिरी पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी नदी के छोटे पुल के पास हुए बोरे में बंद एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है, जिसके हाथ में पैर रस्सी से बंधे हुए थे। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला की हत्या कहीं और की गई है, उसके बाद शव यहां फेंका गया है। वहीं मामले में एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने कहा कि पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही। आज सुबह जो है जो त्रिवेणी पुल है, रास्ता शनि मंदिर के लिए उज्जैन से जाता है, छोटे पुल के किनारे पे एक बोरे में लपटी हुई किसी महिला की डेड बॉडी है, पानी के किनारे पे रुकी हुई। इस तरीके की जानकारी जो है थाना नागझिरी और नानाखेड़ा को प्राप्त हुई थी। तत्काल टीमें मौके पे रवाना हुई, वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, FSL टीम बुलाई गई। पानी से डेड बॉडी को निकाल कर जब देखा गया तो उसके हाथ पैर और मुंह जो है बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। डेड बॉडी का PM जारी है और इसके पहचान के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ चोट के निशान? जाहिरा तौर पे अभी देखने पर कोई ऐसी चोट के निशान नहीं दिखे हैं, चूँकि डेड बॉडी पानी के अंदर थी और इसका PM जो है कराया जा रहा है। PM के बाद ही जो है चोट आदि के निशान के बारे में ठोस जानकारी प्राप्त होगी। क्या उम्र रही होगी महिला की? ये करीब 35 से 40 वर्ष के बीच में महिला प्रतीत होती है, ग्रामीण परिवेश की है। सर, महाकाल मंदिर के आसपास। उज्जैन से संदीप पांडेला की रिपोर्ट।